नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं राजनीति। गुजरात के सियासी गदर के बीच राहुल गांधी पूरे रंग में हैं। कभी सियासी मंच से तो कभी सोशल मीडिया के सहारे मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इस बार तो शायराना अंदाज में वित्त मंत्री अरुण जेटली पर तंज कसा और इकोनॉमी के मुद्दे पर सियासी सर्जरी कर डाली। डॉक्टर जेटली पर राहुल का अटैक, सोशल मीडिया पर राहुल का शायराना अंदाज, सोशल मीडिया पर राहुल की सियासी चिकित्सा। गुजरात विधानसभा चुनाव ज्यों-ज्यों करीब आता जा रहा है, सोशल मीडिया पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग तीखी होती जा रही है और कांग्रेस की तरफ से कमान खुद राहुल गांधी संभाले हुए हैं। राहुल गांधी जीएसटी के बहाने केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और एक बार फिर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए अलग ही अंदाज में जेटली पर निशाना साधा। डॉक्टर जेटली, नोटबंदी और जीएसटी से अर्थव्यवस्था आईसीयू में है। आप कहते हैं आप किसी से कम नहीं, मगर आपकी दवा में दम नहीं। राहुल गांधी से पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बता चुके हैं। राहुल ने ट्वीट कर कांग्रेस के जीएसटी को जेनुअल सिंपल टैक्स बताया तो बीजेपी के जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया और शोले के गब्बर सिंह की तर्ज पर लिखा कि ये कमाई मुझे दे दे। एक कुल्हाड़ी इस साइड से डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी की मारी, दूसरी कुल्हाड़ी इस साइड से मार दी जीएसटी की। इनकी जो जीएसटी है ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और पीएम मोदी को अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहे हैं। नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी कई बार केंद्र सरकार पर निशाना साध चुके हैं। भाई और बहनों, आज रात 12 बजे 500 रुपए का नोट और 1000 रुपए का नोट रद्दी हो जाएगा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अब खिलाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में सभी करों की जगह जीएसटी लागू किया था। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लागू किए जाने के बाद पहले विधानसभा चुनाव है। गुजरात में जीएसटी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। कांग्रेस की किस्मत इस वक्त साथ देती नजर नहीं आ रही है, लेकिन राहुल फिर भी किस्मत पर भरोसा कर रहे हैं। 45 की उम्र के पार जा चुके राहुल गांधी की शादी को लेकर सवाल होते ही रहते हैं। शादी के सवाल पर राहुल गांधी ने ऐसा जवाब दिया कि सब चुप हो गए। आखिर राहुल ने बता ही दिया कि वो कब शादी करेंगे। क्या था राहुल का शादी पर जवाब, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की बड़ी पार्टियों में से एक, देश की बेशुमार हस्तियों में से सबसे ज्यादा जाना पहचाना चेहरा, एक बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत जो उन्हें जन्म से ही विरासत में मिले, वो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हैं, जो नाथ से भारत में वंशवाद के सिद्धांत को दुनिया के सामने डंके की चोट पर रखते हैं। मोस्ट पार्टीज इन इंडिया हैव दैट प्रॉब्लम, सो डोंट गिव अस स्टिक because Mr. Akhilesh Yadav is a dynast, Mr. Stalin is a dynast, Mr. Dhummal's son is a dynast, so you know even Abhishek Bachchan is a dynast. I mean that's how India runs. लेकिन आज बॉक्सिंग के बादशाह जो रिंग में विरोधियों को धूल चटाने में माहिर है, आज अपने सवालों से कांग्रेस के युवराज को चारों खाने चित कर दिया। बॉक्सर विजेंद्र सिंह का सवाल ऐसा था जो राहुल के लिए ना तो निगलते बन रहा था न ही उगलते। बहुत पुराना क्वेश्चन है। नहीं, पर प्लीज उसका जवाब तो दे दीजिए प्लीज। सर सब लोग उसका वेट ही कर रहे हैं तब से लेके, हम भी सब लोग। मैं डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ, जब होगी होगी। जमीनी सियासत में राजनीति शास्त्र से ही पीएचडी के आखिरी मुहाने पर पहुंच चुके राहुल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक समारोह में सब पका है। सवाल मुक्केबाज विजेंद्र ने मोस्ट एलिजिबल बैचलर कांग्रेस के युवराज राहुल से शादी को लेकर किया तो जवाब में किस्मत सुनामी की रफ्तार में आ पहुंची। मैं और मेरी वाइफ हमेशा बात करते कि राहुल भैया कब शादी करेंगे। मैंने बोला कि
प्रधानमंत्री बन के शादी करके जाएंगे तब कहते मजा ही अलग होता है। बारात लेके जाएंगे। वो बहुत पुराना क्वेश्चन है। नहीं पर प्लीज उसका जवाब तो दे दीजिए प्लीज। सर सब लोग उसका वेट ही कर रहे हैं तब से लेके हम भी सब लोग। मैं डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ, जब होगी होगी। यानी देश का प्रधानमंत्री बनने और घर का प्रधानमंत्री दोनों को ही कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किस्मत पर छोड़ दिया। तो क्या शादी के जवाब के बहाने ये मान लिया जाए राहुल के जहन में किस्मत शब्द बस गया है और 2019 के फाइनल में उन्हें पीएम मोदी और बीजेपी को चित करने के लिए इसी किस्मत का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस। संस्कृति और सियासत के बीच सीएम योगी ताजमहल को देखने आगरा पहुंच गए। योगी आगरा पहुंचे तो विरोधियों के निशाने पर आ गए। अखिलेश से लेकर उवेशी तक ने सीएम योगी पर तंज कसा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या योगी के दौरे के बाद ताज पर तकरार थमेगी या मुगलिया महाभारत जारी रहेगा। सीएम योगी ने किया ताज का दीदार। आगरा दौरे पर विरोधियों का वार। दीदारे ताज से थमेगी तकरार। ताज पर मची तकरार के बीच सीएम योगी संगमरमरी इमारत का दीदार करने पहुंच गए। ताजमहल देखने के लिए सीएम योगी के आगरा पहुंचते ही पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तंजिया लहजे में एक ट्वीट कर दिया। ताजमहल की तस्वीर के साथ अखिलेश ने लिखा, यह है जमुना किनारे खड़े ताज का कहना, यह है प्यार का तीर्थ, यहाँ भी आते रहना। योगी करीब 30 मिनट तक ताजमहल में रहे। यहाँ उन्होंने विदेशी सैलानियों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। ऐसा नहीं है कि सीएम बनने के बाद वो पहली बार आगरा आए हों। आगरा में ये उनका दूसरा दौरा है, लेकिन इस बार वो ताज भी देखने पहुंचे हैं। हालांकि इसके पीछे एक वजह डैमेज कंट्रोल भी माने जा रही है। पिछले दिनों जिस तरह से खुद सीएम योगी ने कहा था कि ताजमहल भारतीय संस्कृति का प्रतीक नहीं है, यही नहीं यूपी सरकार की टूरिज्म बुकलेट से इसे हटाए जाने पर भी बवाल हुआ था। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने तो ताजमहल को धब्बा तक करार दे दिया था। इन तमाम विवादों को लेकर पूरे देश से जब तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार भी बैकफुट पर आई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचना ही पड़ा। इस दौरान योगी समर्थकों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। सीएम योगी ने यहां पर झाड़ू भी लगाई, जिस पर ओवैसी ने कहा कि ताजमहल की सफाई के बजाय योगी पार्टी के लोगों के दिमाग की सफाई करें। यही चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि ताजमहल का भारत की संस्कृति से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बीजेपी के विधायक ने कहा कि ये तो हमारे मुल्क के ऊपर एक धब्बा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुगलों को गुंडा कहा। अब जब चीफ मिनिस्टर के और उनके कैबिनेट के लोग और उनकी पार्टी के लोग इस तरह की सोच रखते हैं तो चीफ मिनिस्टर बजाय ताजमहल जाके झाड़ू देने के इनके दिमाग की झाड़ू दें, ऐसे लोगों के दिमाग को साफ करें। योगी का सफाई का कार्यक्रम पहले से ही था। कहा जा रहा है कि ये रियल लगे इसलिए 3 दिनों तक वहां सफाई ही नहीं की गई। तैयारी जो वेस्ट गेट है ताजमहल का, उस पे कूड़े की भी तैयारी है। जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमारी बात हुई तो कहा गया कि भले ही पर्यटक आते हों लेकिन बीते 3 दिनों से कूड़ा उठाया नहीं गया, ताकि जो कूड़ा है वो पूरी तरीके से ओरिजिनल नजर आए, जिसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से साफ करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ से 2 मीटर की दूरी की बात करें तो बाकायदा रंगोली बनाई गई है, पूरी तरह से साफ सुथरा है, लेकिन पार्किंग लॉट में कूड़ा जानबूझ के रखा गया। अखिलेश यादव ने योगी के ताज जाने पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने ताजमहल को शिव का मंदिर बता दिया, किसी ने उसे भारतीय संस्कृति पर धब्बा कह दिया। मगर देखिए समय कैसे बदलता है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हुई तो केंद्र सरकार के दबाव में मुख्यमंत्री योगी ताजमहल पहुंच गए। लेकिन दुनिया में जो बदनामी हुई भारतीय जनता पार्टी की, कहीं ना कहीं केंद्र से दबाव आया होगा तब जाकर के ताजमहल पे मुख्यमंत्री जा रहे हैं और वहां बता रहे हैं कि उनकी सरकार ने क्या क्या काम किया है। अखिलेश ने कहा कि जो लोग ताजमहल को अपनी संस्कृति का हिस्सा और अपनी धरोहर नहीं मानते थे, भगवान राम ने क्या किया कि आज उन्हें इसी इमारत के पश्चिमी द्वार पर झाड़ू लगानी पड़ गई। जो लोग ताजमहल को
देखते ही जाने क्या क्या कहने लगते थे, ताजमहल को अपनी संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते थे, अपनी हेरिटेज नहीं मानते थे। ठीक बात है, उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन देखो भगवान राम ने क्या कर दिखाया कि आज वेस्ट गेट पर ही स्वच्छता का अभियान चलाना पड़ गया ताजमहल के वेस्ट गेट। अखिलेश ने चुनौती दे डाली कि हिम्मत है तो बीजेपी वाले ताजमहल को दुनिया की धरोहरों की सूची से हटवा कर दिखाएं। जो दुनिया की हमारी पहचान है, हम कहते हैं कि वो वंडर्स में आता है, सरकार हटा दे उस सूची से नाम इसका। क्या हिम्मत है केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार की, कि उस वंडर्स की सूची में से ताजमहल को हटा दे। आपको बता दें, इन दिनों ताजमहल विवादास्पद बयानों के कारण काफी चर्चा में है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने ताजमहल को तेजो महालय कहकर इस विवाद को और हवा दे दी। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने कहा कि अगर योगी सरकार ताजमहल को तोड़वाने की पहल करती है तो वो इसका समर्थन करेंगे। अब ऐसे समय में योगी आदित्यनाथ का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। सत्ता से बाहर होने के बाद अखिलेश यादव सियासी कुनबा बढ़ाने में लगे हैं, दूसरी पार्टियों के नेताओं का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। लखनऊ में बसपा और आरएलडी के कई नेताओं को अखिलेश ने साइकिल पर बिठा लिया। इसी कार्यक्रम में अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर तंज कसा। योगी सरकार पर अखिलेश का अटैक, योगी सरकार पर जमकर बरसे सपा अध्यक्ष, कानून व्यवस्था से लेकर ताजमहल तक तंज। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर तंज कसा। कानून व्यवस्था को लेकर घेरते हुए अखिलेश ने कहा कि विदेशी पर्यटकों को सेल्फी लेने के लिए पीटा जा रहा है। यूपी का एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ है? जो पर्यटनों के साथ हुआ है, मैंने अखबार पढ़ा है, मेरी जानकारी केवल अखबार के माध्यम से है कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आया फतेहपुर सीकरी, और उसके साथ सेल्फी खिंचाने की कोशिश की, जब उसने मना किया तो उन्होंने मारा, पीटा, अस्पताल तक भर्ती हो गए। मैं जानना चाहता हूं वो रोमियो वाली पुलिस कहां पर है, वो रोमियो वाली पुलिस कहां पर है। और पता कर लीजिए आप, जिन लोगों ने ये छेड़खानी की है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े लोग हैं। अखिलेश यादव ने फतेहपुर सीकरी में स्विस जोड़े के पिटाई के मामले में ये बातें कही। एक विदेशी युगल को फतेहपुर सीकरी में सेल्फी लेने के लिए पीटा गया। सीएम योगी की अयोध्या और चित्रकूट के दौरों पर बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि ये दौरे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हैं। लखनऊ में सपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा के पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा, आरएलडी के पूर्व एमएलए मिथिलेश पाल, बसपा के पूर्व एमएलसी मनीष जायसवाल, कांग्रेस की वंदना राकेश शुक्ला, राजीव वर्मा समेत कई बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा। सभी का पार्टी में स्वागत करते हुए अखिलेश ने कहा कि दूसरे दलों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। मधुसूदन शर्मा के आने से पार्टी की ऊर्जा और ताकत बढ़ेगी। इन तमाम साथियों का जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से इन सबका स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है ये मिल करके और इनके सहयोगी साथी मिल करके हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और साइकिल की रफ्तार को और तेजी से आगे ले जाने का काम। इसी कार्यक्रम में सीएम अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधा और जमकर कटाक्ष किए। ताजमहल के मुद्दे पर भी अखिलेश ने सीएम योगी को नहीं बख्शा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे किसानों के लिए नेताओं की हमदर्दी बढ़ती जा रही है। किसानों के मुद्दे पर राजस्थान विधानसभा में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब कांग्रेस विधायक वेल में ही चादर तानकर सो गए। इससे पहले विधानसभा में भजन कीर्तन भी किया। क्या कांग्रेसी सोकर कराएंगे किसानों की कर्ज माफी? किसान कर्ज माफी के लिए कांग्रेस के खर्राटे। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेसियों का बिस्तर। वेल में ही चादर तान कर सो गए विधायक। राजस्थान में कांग्रेसियों का अनोखा प्रदर्शन। सदन में लगाए बिस्तर, होटल से मंगाया खाना।
राजस्थान विधानसभा में बजने लगी रामधुन। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेसी विधायकों का किसानों की कर्ज माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस और कुछ निर्दलीय विधायकों ने लगातार दूसरी रात सदन में धरना देकर गुजारी। इस दौरान प्रदर्शनकारी विधायक सदन में देर रात तक रामधुनी और भजन करते रहे और फिर सदन में ही बिस्तर तान कर सो गए। देर रात संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ और उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ समझाइश के लिए सदन में पहुंचे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और दूसरे कांग्रेसी विधायक किसानों की पूर्ण कर्ज माफी की मांग पर अड़े रहे। हमारी मांग कई महीनों से है, हम लोगों ने पदयात्रा निकाली है, रैलियां की हैं, प्रदर्शन किया है कि किसान का संपूर्ण ऋण माफ हो। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में किसानों का ऋण माफ किया है, कोई समिति नहीं, कोई कमेटी नहीं बनी है। इसलिए हमारे सभी विधायक बहुत मजबूती से कई कल और परसों से विधानसभा के अंदर जवाब मांग रहे हैं सरकार से कि ऋण माफी की घोषणा आप कब करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने किसानों के मुद्दे पर बहस की पेशकश भी की तो गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के विधायकों के प्रदर्शन को घड़ियाली आंसू करार दे दिया। किसान की बहबूदी हमारे सामने है, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं तो हमारे प्रतिपक्ष के लोग, और मैं उन पर आरोप लगा रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं सदन और अभी कल और परसों और चलेगा, अगर उनमें हिम्मत हो तो बहस करें, तर्कों के आधार पर हमसे बात करें। हम बताएंगे कि 56 वर्ष में अपने शासन में उन्होंने किसान की क्या बदहाली की। आज किसान जो कर्ज में है उसका दोषी अगर कोई एकमात्र है तो कांग्रेस पार्टी दोषी है। आपको बता दें कि इसी हफ्ते राज्य में वसुंधरा राजे की सरकार एक अध्यादेश के चलते अच्छा खासा विरोध झेल चुकी है, जिसके मुताबिक किसी भी अफसर या नेता के खिलाफ शिकायत करने पर सरकार से इजाजत लेने का प्रावधान था। हालांकि बाद में वसुंधरा राजे सरकार बैकफुट पर आई और अध्यादेश को समीक्षा के लिए भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जालौन में योगी के मंत्री ने लापरवाही से एक किसान की फसल रौंद दी, जब किसान को पता चला तो रोने लगा और मंत्री के पैर पकड़ लिए। मामला बिगड़ता देख मंत्री ने किसान की जेब में 4,000 रुपए रखकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की। क्या है पूरी घटना, देखिए रिपोर्ट में। मंत्री के काफिले के नीचे कुचल गई फसल। मंत्री के पैरों में गिरकर रोने लगा किसान। मंत्री को आया ध्यान तो कर दी नुकसान की भरपाई। नगर पालिका की योजनाओं का शिलान्यास करने आए राज्य मंत्री जयकुमार जैकी के काफिले में शामिल वाहनों ने एक किसान की मेहनत को रौंद डाला। देखते ही देखते उसकी सरसों की काफी फसल पहियों के नीचे आकर बर्बाद हो गई। कुछ दूरी पर बकरियां चरा रहे किसान ने ये देखा तो मंत्री के पैरों में गिर पड़ा और बर्बाद होने की दुहाई देने लगा। नगर पालिका उड़ाई बैठे अब साफ साफ कुछ भी चल तो पूरी फसल यहाँ पे पूरी 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 खराब है। मतलब टायर इन्हीं गाड़ियों के टायर। हुआ ये कि गौशाला की नींव रखने आए मंत्री जयकुमार के काफिले में लगभग 1.5 दर्जन गाड़ियां शामिल थी, इनमें सरकारी और निजी वाहन थे। शिलान्यास स्थल तक पहुंचने में रास्ते में एक दलित किसान का खेत पड़ता है। उसने खेत में सरसों की फसल की बुआई की थी। आने और जाने के दौरान वाहनों के पहिए फसल को रौंदते हुए निकल गए। किसान ये देख कर सिर पकड़ कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते बिलखते हुए वो मंत्री जी के पैरों में गिर पड़ा और चौपट हुई फसल को मंत्री जी को दिखाते हुए बोला, साहब बहुत नुकसान हो गया। अरे तो इससे इतना तो बेकार हुआ होगा थोड़ा बहुत। किसान हो, हम किसान हैं, 200 रुपया घंटा से पानी नहीं देखे ढूंढ रहे ना।
मौके की नजाकत को भांपते हुए मंत्री ने पीड़ित किसान को 4,000 रुपए देकर मामले को मौके पर ही रफा दफा कर दिया। किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए आवागमन में अगर गाड़ियों के द्वारा किसी भी किसान का कोई नुकसान हुआ है, मैंने पहले भी कहा है कि सरकार किसानों के प्रति वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। जिस किसान का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा तुरंत दे दिया गया है कि उसके गाड़ियों से आवागमन के कारण। कितना मुआवजा दिया गया उसका? 4,000 रुपए अभी मैंने दिया है। कर्ज लेके और पानी लगाओ 200 रुपया घंटा लगे और कम से कम 6-7 दाएं बखरा होगा, तब तो जा में बह पाई। हमने रखा रहे हम 24 घंटा है ही बैठे, गन्या बचन नहीं देने और तो आज कुछ अर को माउ तो रखवारी बेकार ही। मंत्री जी का कहना है कि सरकार किसानों के लिए कटिबद्ध है और किसी प्रकार का नुकसान न हो इसके लिए लगातार प्रयासरत थी। किसान का जो भी नुकसान हुआ है उसका संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार के हुकुम पर हंगामा शुरू हो गया। योगी सरकार ने सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाते हुए मेरठ में तैनात अपर आयुक्त रणधीर सिंह को बर्खास्त कर दिया। इस बर्खास्तगी के खिलाफ रणधीर सिंह ने बीजेपी सरकार और सांसद हुकुम सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। योगी सरकार के हुकुम पर पवार, कैराना सांसद हुकुम सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। 2 दिन पहले मेरठ के अपर आयुक्त रणधीर सिंह दुहन को शासन ने बर्खास्त किया। अब उन्होंने बीजेपी सांसद हुकुम सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सब उनके ही इशारे पर हो रहा है। उनकी बेटी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था जो कि चुनाव हार गई थी, लेकिन इस चुनाव का हार का सारा ठीकरा मेरे सिर पर मढ़ दिया गया। ये सारी कार्रवाई राजनीति के चलते हुई। 14 गांव मैंने और आइडेंटिफाई कर रखे हैं। आज भू माफिया ये सरकार खिला रही है। ये सरकार जाकर के देखे, कैराना देहात, कोथलपुर, होसनपुर, तीतरवाला, मलकपुर, सरकारी जमीन के 1,000 करोड़ की जमीन के ऊपर इसके बूथ एजेंट, इसके इलेक्शन एजेंट, इसके सक्रिय कार्यकर्ता पर वहाँ पर जो है वह अवैध कब्जा किया हुआ। दरअसल रणधीर सिंह 2012-13 में शामली में अपर जिलाधिकारी के पद पर तैनात थे। इस दौरान रणधीर सिंह ने शत्रु संपत्ति की 27 हेक्टेयर जमीन बिना अधिकार नीलाम कर दी थी। इस पर मामले में सहारनपुर के तत्कालीन कमिश्नर तनवीर जफर अली ने जांच कर सभी आरोपों को सही पाया था। आरोप सिद्ध होने की वजह से रणधीर सिंह दुहन को बर्खास्त किया गया। लेकिन अब बर्खास्त अपर आयुक्त का कहना है कि हुकुम सिंह की बेटी ने कैराना से चुनाव लड़ा जो कि चुनाव हार गई और इस हार का कारण मुझे बताया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जब ये उपचुनाव हुआ है जिसमें इनकी बेटी आ रही है, इनके कत्ते से ये जातिगत आधार पर, विशेष जाति के आधार पर ये काम कर रहा है। इससे एक नेशनल पार्टी की, राष्ट्रीय छवि की पार्टी की जो की छवि को भी जो है ये आदमी धूमिल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन 3 प्रकरणों में मुझे डिप्रमोशन किया है और मुझे डिसमिस किया है। आज तक किसी आदमी की शिकायत नहीं। मैं बहुत परेशान रही हूँ, हमेशा बच्चे परेशान रहे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। अगर ये इतने भ्रष्टाचार होते हैं तो मेरे पास भी सब कुछ होता। और इतने भ्रष्टाचार होते थे, ये घोटाला क्यों करते हैं? अभी इन्होंने इतनी अच्छी जांच करी है, यहाँ पे क्यों दी इनको जांच? इन्होंने मना कर दी थी कि मैं नहीं करूंगा ये जांच। आपको बता दें कि कैराना सीट से हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह विधानसभा चुनाव हार गई थी। हुकुम सिंह रणधीर पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। 400-450 एकड़ जमीन है उत्तर प्रदेश में बिडौली के पास में, और वो इन लोगों ने हरियाणा के लोगों को बेच दी। फिर विधानसभा में मैं उस मुद्दे को दोबारा उठाया, तो उठाने के बाद में इतना जरूर हुआ कि उसको हटाया है यहाँ से। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री से उसको भी हटाया और AK सिंह को भी हटाया। बराबर हम लेटर लिखते रहे, जांच चलती रही, और अब आकर के उसका परिणाम निकला जांच का, उसकी सेवा समाप्त कर दी। रणधीर सिंह के आरोप कितने सही हैं ये साफ नहीं है, लेकिन जांच में रणधीर की भ्रष्टाचार में संलिप्तता जरूर पाई गई है। मेरठ से अब्दुल कादिर के साथ शामली से वरुण चौधरी की रिपोर्ट, समाचार प्लस।
राजनीति में अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का, ताकि कोई भी खबर आपसे ना छूटे। यूपी में घूसखोरों पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी ने नया तरीका निकाला और भ्रष्टाचारियों को खबरदार कर दिया। सीएम योगी ने दो टुक कहा कि घूस मांगी तो हवालात की हवा खानी पड़ेगी। सीएम योगी ने कहा कि घूस मांगने वालों की शिकायत सरकार के मंत्री या विधायक से करें और कोई घूस मांगे तो रिकॉर्डिंग कर लें। हम घूसखोरों को जेल भेजेंगे और संपत्ति जब्त करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, अगर इस पैसे में कोई आपसे घूस मांगने का प्रयास करे, हमारे विधायकों को बताइए, माननीय पांडे जी के पास, उनके प्रतिनिधि के पास इसकी शिकायत करिए और उसको टेक कर लीजिए। आपको मैं विश्वास दिला सकता हूं कि हमारी सरकार आपसे घूस मांगने वाले जो जेल में भेजेंगे उसकी संपत्ति जब्त नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ के लेबर मिनिस्टर भैया लाल रजवाड़े ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर किसी को भी हंसी आ जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा में कुवारों का भविष्य बहुत अच्छा है। पीएम मोदी की बात करते हुए कहा कि सभी जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुवारे हैं। बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री भी कुवारे हैं। उन्होंने कहा कि कुवारों का भविष्य हमारी पार्टी में काफी अच्छा है। उनकी ये बात सुनकर सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। कुवारे लोगों का हमारे पार्टी में भविष्य उज्जवल, आप लोग सब जानते हैं ना, प्रधानमंत्री कुवारा कह के, मुख्यमंत्री कुवारा कह के, मंत्री कुवारा। बीजेपी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह का विवादित बयान सामने आया है। मसूरी में विकास के मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत में माला राज लक्ष्मी ने कहा कि ना तो मैं भगवान हूँ और ना ही बीजेपी भगवान है, इसलिए जरूरी नहीं कि जनता से किया हर वादा पूरा हो। ये बयान उस वक्त सामने आया जब पीएम मोदी भी मसूरी में है। हम भगवान तो है नहीं, भाजपा भी भगवान नहीं है। जो कर सकते हैं, जो कर सकते हैं हम लोग जरूर करेंगे, मगर आज मत सोचिए कि हम भगवान हैं। भगवान नहीं है क्योंकि जो कि सब वादा पूरा कर सके। संबल में कल की महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि शंकराचार्य का आशीर्वाद रहा तो प्रदेश में हम दोबारा सरकार बनाएंगे क्योंकि अभी हम बूढ़े नहीं हुए हैं। साथ ही कहा कि भगवान कृष्ण की तो हमें वैसे भी ज्यादा जरूरत है क्योंकि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए कृष्ण भगवान का होना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं एक बार नहीं कई बार हम लोग उत्तर प्रदेश में जो चाहे कोई सरकार बना चुके हैं। सरकार तो हम लोग जब निकल पड़ेंगे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बना लेंगे। हम लोग तो अभी तो जिंदा है और हम लोग कहीं बूढ़े नहीं हुए हैं। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी के साथ पुलिस प्रशासन भी फील्डिंग सजा रहा है। फरुखाबाद में प्रभारी मंत्री चेतन चौहान के दौरे के बाद 105 सिपाहियों का तबादला कर दिया गया। दरअसल बीजेपी किसी भी कीमत पर ये चुनाव जीतना चाहती है और इसके लिए प्रशासन भी अपने आकाओं की मदद कर रहा है। इतनी बड़ी संख्या में सिपाहियों के तबादले को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। खास तौर से उन थाना क्षेत्रों में नई सिपाहियों की तैनाती की गई है जिनमें नगर पालिका चुनाव होने हैं। सूत्रों के अनुसार विधायकों की पसंद के सिपाही उनके इलाके में भेजे गए हैं। प्रभारी मंत्री चेतन चौहान ने भी कहा कि सरकार बनने के बाद ये चुनाव हमारी परीक्षा है, हम इन चुनावों को हर हालत में जीतना चाहते हैं। कि सरकार बनने के बाद ये उनका एक इम्तिहान है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार दोनों बहुत गंभीर है और इसमें मंत्री हों, कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, सब लोग इस चुनाव में